क्योंकि बोट के जरिए ही उन्हें 80 घाट से दशाश्वमेध घाट की तरफ जाना था, जहां प्रियंका का गंगा आरती में शामिल होने का कार्यक्रम था। इसलिए घाट पर पहले से ही पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्रियंका गांधी के पहुंचते ही हर हर महादेव के नारे लगने लगे। प्रियंका ने भी हिंदू मान्यताओं पर चलते हुए साड़ी के पल्लू से सिर ढका और फिर ज्योत हाथ में ले ली। मंत्रोच्चारण करते हुए पंडित ने ज्योत प्रज्वलित की और पूजा कराई। इस दौरान शंखनाद भी हुआ और एक पंडित घंटी भी बजाता रहा। आरती लेने के बाद गंगा में पवित्र जल छोड़ दिया गया। घाट पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने घेरा बनाकर आम लोगों को एक किनारे पर ही रोका हुआ था। पूजा पूरी होने के बाद पंडित ने पहले प्रियंका को फूलों की माला पहनाई और फिर एक चुन्नी ओढ़ाई। एक बार फिर हर हर महादेव का जयकारा लग गया। पूरी गंगा आरती के दौरान प्रियंका के गले में रुद्राक्ष की माला साफ दिखती रही। बीच बीच में हर हर महादेव के नारे भी सुनाई देते रहे। घाट से निकलते ही प्रियंका को भारी भीड़ ने घेर लिया। घाट के ठीक बाहर होलिका बनाई गई थी। प्रियंका गांधी भी सीधा होलिका के पास पहुंची। उनकी टीम के एक साथी ने गुलाल से भरा एक डिब्बा प्रियंका को दिया। प्रियंका ने 3 बार होलिका पर गुलाल डाला और आगे बढ़ गई, जहां से उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ पहुंचना था। प्रियंका गाड़ी में सवार हो गई और उनका काफिला सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर पहुंचकर ही रुका, जहां भारी भीड़ पहले से मौजूद थी। इतने फूल बरसे कि प्रियंका की कार फूलों से ढक गई। गाड़ी से निकालकर सुरक्षाकर्मी बेहद सावधानी से प्रियंका गांधी को काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ले गए। मंदिर में पुजारियों ने प्रियंका गांधी की पूजा के लिए पहले से तैयारियां की हुई थी। बाबा विश्वनाथ की पूजा की तस्वीरें भी सामने आईं। पूजा में प्रियंका गांधी अकेले ही बैठी थी। 4 पंडितों की टीम मिलकर पूजा करवा रही थी। आचमन के साथ पूजा की शुरुआत हुई। फिर प्रियंका के माथे पर चंदन का तिलक लगाया गया और फिर प्रियंका को एक चुनरी ओढ़ाकर पूजा की शुरुआत कराई गई। काफी देर तक पूजा चलती रही। हालांकि पिछले कई विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी भी इसी फॉर्मूले पर चलते हुए अपने हर दौरे पर बड़े मंदिरों में जरूर पहुंचते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे कई मायनों में बेहद अलग रहे और एक खास रणनीति का हिस्सा रहे, क्योंकि खास तौर पर प्रियंका गांधी की यात्रा में ऐसे मंदिर चुने गए जहां महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। चाहे वाराणसी का शीतला माता मंदिर माता मंदिर हो, विंध्याचल का विंध्यवासिनी मंदिर हो या फिर सीतामढ़ी का सीता समाहित स्थल, इन सभी मंदिरों में पुरुष कम और महिला श्रद्धालु ज्यादा पहुंचती हैं। कांग्रेस की कोशिश ये थी कि इन मंदिरों में प्रियंका के पहुंचने से महिलाओं के बीच पैठ बढ़ाई जाए और महिलाओं से बातचीत का मौका भी प्रियंका गांधी को मिल सके। इसके अलावा ये सभी ऐसी जगह थी जो गंगा के किनारे बसे इलाकों में थी, जबकि सड़क के रास्ते ये सारे मंदिर काफ़ी दूर पड़ते थे। ये इलाके पिछड़े इलाकों में गिने जाते हैं। इन इलाकों में चुनावों के दौरान भी नेता कम ही पहुंचते हैं, इसलिए प्रियंका का दौरा इन इलाकों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम है। पूरी गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी 7 मंदिरों के अलावा एक दरगाह में भी पहुंचे। ऐसा इसलिए हुआ ताकि मुस्लिम वोटर भी नाराज ना हो और पूर्वी यूपी का मिजाज समझते हुए प्रियंका का सियासी मकसद भी पूरा हो जाए।